इंडिया हमसे कितना आगे चला गया, इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, नाउज़ बिल्ला। पाकिस्तान में क्यों फेलियर इतना चल रहा है कि पाकिस्तान से कंपनी जा रही है? बेसिकली पाकिस्तान में ट्रस्ट इशूज़, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा आप कह लें कि है ना पाकिस्तान के अंदर मसला, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट इशूज़ हैं। मैं आपको सिंपल क्लियर कट बताता हूँ, अगर आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर नहीं करते, आप स्टिल इसी एज में रहेंगे, जब तक आप सर्वाइव कर सके आप करेंगे, अदरवाइज आप खत्म हो जाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको फर्दर रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब की क्या अपनी वर्थ है जी? बेसिकली मैं तो आप जर्नलिस्ट आप है, मैं आपसे पूछूं शहबाज शरीफ साहब की क्या वर्थ है? एक प्राइम मिनिस्टर जिसमें इतनी कुन्नस भरी है कि वो एक सिंपल क्वेश्चन करने पर पीटीवी का एक जर्नलिस्ट जॉन्स है उसको घर बता देता है। गारंटी अगर जो बात करें भाई, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी की रिसर्च की, साइंस की, कोई भी फील्ड लगा लो उसके बीच में बहुत बहुत। नमस्कार दोस्तों, अक्की रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में पाकिस्तान का एक आदमी है जो बहुत समझदारी की बातें कर रहा है, पाकिस्तान में ऐसे समझदार लोग बहुत कम हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान का यह आदमी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, तो पहले हम वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे इस टॉपिक पर। अगर आप इंडिया को देखें, दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए, ठीक है जी, या एक दिन के डिफरेंस के साथ आजाद हुए दोनों मुल्क, इंडिया हमसे कितना आगे चला गया, इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, नाउज बिल्ला। कब तक ऐसा लगेगा जैसे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, पाकिस्तान की स्पार को कब तक इस तरह के जिस तरह वो मून मिशन करने जा रही है पाकिस्तान कब करना स्टार्ट करेगा? देखें जी, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमोस्फेरिक रिसर्च के पास तो अपना अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत गम से कहता हूँ कि लॉन्चिंग पैड भी नहीं है, ठीक है। अब देखें लॉन्चिंग पैड तो जनरल चीज़ है ना, आपकी सैटेलाइट जो ऑनचिप पर गई वो वाया चाइना गई, अब आपको सबसे पहले सैटेलाइट से तो बेहतर है कि आपके पास एटलीस्ट लॉन्चिंग पैड तो हो ना। तो पहले लॉन्चिंग पैड की बात कर लेते हैं, सैटेलाइट की बाद में कर लेंगे। टू साइडेड फ्रेंडशिप क्या होती है? वो ये है कि अगर उनको आपसे कुछ मुफाद लेना है तो आप उनके दोस्त हैं, अदरवाइज आप उनके दोस्त नहीं हैं, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान एक आप कह लें कि अब हम लोग जॉन से हम पिंडो थाओं के लोग हैं बेसिकली। अब देखें जनरली क्या होता है कि बंदा किसी पर डुल्ली पड़ता है ना, किसी का दोस्त है, बंदा डुल के कह रहा था कि यार ये मेरा दोस्त है, ये है, वो है, फला है, वो क्या बेसिस हैं कि आपके वो दोस्त हैं, वो कब तक रहेंगे आपके दोस्त? इन चीज़ों पर आप सोचें तो ये आपके लिए बेहतर हो। हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उनका ये कहना है कि जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया ना तो चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें डिफॉल्ट से भी चाइना ने हमें निकाला है। तो क्या लगता है कि चाइना हमें दोस्ती की हद तक देख रहा है कि यहाँ अपना कोई इधर मुफाद देख रहा है पाकिस्तान में? शहबाज शरीफ साहब की क्या अपनी वर्थ है जी? बेसिकली मैं तो आप जर्नलिस्ट आप है, मैं आपसे पूछा शहबाज शरीफ साहब की क्या वर्थ है? एक प्राइम मिनिस्टर जिसमें इतनी कुन्नस भरी हुई है कि वो एक सिंपल क्वेश्चन करने पर पीटीवी का एक जर्नलिस्ट जॉन्स है उसको घर बता देता है, ये ऐसे लोग ऐसे बंदे को आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, चाइना का कोई वर्थ नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी को एस्टैब्लिश करने में, टोटली वर्थ जॉन्स है वो IMF की चल रही है इस टाइम, ठीक है जी। शहबाज शरीफ जॉन्स हैं, और इसको मैं गुजारिश करूंगा काटिएगा मत, इसको एडिट इसमें कीजिएगा, शहबाज शरीफ जॉन्स साहब है, मुझे उनको कोई मेंटल इशूज लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर्टी है, मैं उस पर बात नहीं कर सकता। वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो इतना आके और वो क्यों है, बात यह है कि क्या पाकिस्तान में किसी किस्म का टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आप कह लें कि उनका वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तालीम दोनों जगह पे एक है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ जौन सी हैं वो मैं सब क्यों है, सेम वही पॉइंट कि कोई पढ़ा लिखा बंदा या कोई उस फील्ड का बंदा उस चीज़ को लेके आगे चले, ये काम इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं है। एजुकेशन लिहाज से आपने जो बात की, अभी एजुकेशन की आप बात करें कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनकी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिनके जिस हिसाब से उनको अहदे दिए गए हैं, ऐसी बात करें आप? अगर IT की फील्ड की बात करें, अभी आपको पता है कि इंडिया IT की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे चले गया, क्योंकि IT की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो फ्यूचर में आने वाली है ये वाली, तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान को भी इसी तरह ग्रो करना चाहिए जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क ग्रो कर रहा है? अब देखिए वो कैसे ग्रो होगा, पहली तो बात यह, अब आपने मुझे कहा कि उनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है मिनिस्टर्स की पाकिस्तान में, तो कभी कभार आपने भी, बल्कि आप मीडिया पर्सन है आपको पता होगा कि कई बार ऐसे हो चुका है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं बाद में उनकी डिग्रीज पे ऑब्जेक्शन आ जाती है कि आया अंटिल ये डिग्री है भी सही इनके पास या नहीं है। अब देखिए आपने IT की बात की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में क्यों फेलियर इतना चल रहा है कि पाकिस्तान से कंपनी जा रही है? बेसिकली पाकिस्तान में ट्रस्ट इशूज, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा आप कह लें कि है ना पाकिस्तान के अंदर मसला, वो पाकिस्तान के वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट इशूज है। मैं आपको सिंपल क्लियर कट बताता हूँ, अगर आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को क्लियर नहीं करते, आप स्टिल इसी एज में रहेंगे, जब तक आप सर्वाइव कर सके आप करेंगे, अदरवाइज आप खत्म हो जाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ को आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको फर्दर रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। आपका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में रहा कितनी देर है? वो बाहर जाके फिरता रहा, वो क्या कर रहा है बाहर? उससे कोई पूछने वाला है कि यार आप एज अ फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? वो आपको अपनी जनरल फॉरेन पॉलिसी नहीं एक्सप्लेन कर सकेगा, मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूं। अगर पाकिस्तान को अच्छे इन्वेस्टर्स या बेहतर चीज़ें कुछ बाहर से मिलती हैं जिनको पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर से लाकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसको लेकर चल सकती है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान के लिए 20 या 25 साल हार्डली रिक्वायर्ड होंगे पाकिस्तान को इस क्राइसिस में से निकलने के लिए, हार्डली इतना नहीं, ये नहीं, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान 20 से 25 साल में हार्डली इन चीज़ों से बाहर आ सकता है और बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हो सकता है। मजाक तो हम लोग अपना खुद बनवा रहे हैं ना, हम लोग खुद अपना मजाक बनवाए जा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं हम लोग। जो एक चीज़ उन्होंने हम लोगों को, एक प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड आया था स्टेटमेंट, वो मतलब अपने कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोगों के साथ, तो उसके बीच में उन्होंने ना एक लाइन बोली, तो उन्होंने कहा था जंग करनी है तो मेरे साथ जंग करो। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ इसके बीच में, अब ये स्टेटमेंट थी जंग करनी पाकिस्तानी हो तो आओ मेरे साथ जंग करो। मैंने एक क्लिप देखा जिसके बीच में इतनी लाइन थी और उसके नीचे लिखा होगा था वो जी इंडिया वालों ने हम लोगों को धमकी दे दी।
मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या स्टेटमेंट, वाकई नरेंद्र मोदी डायरेक्ट धमकियां दे रहा है, मतलब जो इंतजार पसंद लोग होते हैं वो। जब मैं इस वीडियो की हकीकत तक पहुंचा, मैंने ये वीडियो पूरी देखी, तो इसके आगे वाली लाइन क्या थी, नरेंद्र मोदी कह रहा था जंग करनी है तो मेरे साथ जंग करो, तुम अपने मुल्क में से गरीबी खत्म करो, मैं अपने मुल्क में से गरीबी खत्म करता हूँ, ठीक है, ये थी पूरी लाइन। और हम लोग क्या करते हैं, हम आधा फिक्रा सुन के आधा लगा के और लोगों को माइंड गलत तरफ लेकर जाते हैं, और जब हम लोग नेगेटिव थिंग फैलाएंगे तो फिर हम आम लोगों का मजाक भी तो उड़ेगा ना। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं हर कंट्री में, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, कुछ लेग पुलिंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कंट्री में कोई बुरे लोग हों। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से किस लिहाज किस धाने पर खड़ा है? पाकिस्तान रिसेंटली करंटली अगर जो बात करें भाई, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, टेक्नोलॉजी की रिसर्च की, साइंस की, कोई भी फील्ड लगा लो उसके बीच में बहुत बहुत पीछे है, ठीक है। बट अब आके रिसेंट जब बेरोजगारी एक हिसाब से खत्म हो गई है ना, ठीक है, स्टूडेंट्स वेले रहे हैं, फ्री पे रहे हैं, ये कुछ मंथ हुए हैं कि जो लड़के हैं, जो यंग यूथ है ना, उसने आईटी की तरफ जाना शुरू किया। नो डाउट लड़कों को काफ़ी क्रेज़ पैदा होगा, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि वो आईटी की फील्ड को देखें, है क्या आईटी की फील्ड, ठीक है, आईटी की फील्ड में जाना शुरू है। और आई होप सो कि इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स के बीच में पाकिस्तान, दोस्तों ये बात सही है कि पाकिस्तान के युवा अगर आईटी के सेक्टर में काम करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो अदर कंट्रियों में उनकी डिमांड होगी, उनको अच्छा काम मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की डिमांड अच्छी होगी और अच्छा काम करेंगे तो इनके कहीं ना कहीं इनके दिमाग में फ्रॉड और मक्कारी भी है, जो इनके डीएनए और इनके खून में है। और पाकिस्तान के जो पहला आदमी था वो फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा था कि पाकिस्तान की सरकार मून मिशन करने की बात करती है, पाकिस्तान में खुद का लॉन्च पैड तो है नहीं, लॉन्च पैड भी चीन का है, और बात करते हैं कि हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये आदमी ने बिल्कुल सच कहा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार है और अफवाह ज़रा फैलाती है, उनको ये पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और इनकी वजह से हमारी बेइज्जती होती है, अदर सब हमारा मजाक बनाते हैं। पाकिस्तान का यह आदमी कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री शहजाद शरीफ प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है, उन्हें यह पता नहीं है कि कब किसके सामने क्या बोलना है। जब भी कोई मीटिंग होती है या कोई अदर कंट्री का प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा अधिकारी हो तो उसके सामने कश्मीर का मुद्दा रख देते हैं, पर पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई बात नहीं करते, बस कश्मीर का मुद्दा छेड़ देते हैं। और ये कश्मीर के मुद्दे के चक्कर में आज तक हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। दोस्तों इस आदमी की सोच बिल्कुल सही है, इस आदमी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। दोस्तों इस आदमी ने सही कहा है कि पाकिस्तान में ट्रस्ट इशू नहीं है, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। अगर अमेरिका, जापान जैसी कंट्रियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती है तो पाकिस्तान के लोग उनकी कंपनियों को, उनकी फैक्ट्रियों को जला देते हैं, कहते हैं ये काफिरों की प्रॉपर्टी है, इनको हम यहाँ काम करने नहीं देंगे। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो आपने वीडियो में पाकिस्तान के लोगों की बात सुनी, इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट में बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे रिएक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।